नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला मिल्क पाउडर, जिससे दूध का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा और हर कोई आसानी से पिएगा और बच्चे तो बार बार मांगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए लिए हैं मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची, काली मिर्च, केसर और थोड़ी सा जायफल। अब मैंने की नॉन स्टिक पैन लिया और इसमें मैं 1 कप काजू लिया है, जिसको मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूंगी, जिससे कि इसका सीलापन सारा निकल जाए। अभी देखिए काजू हमारे रोस्ट हो चुके हैं और इसको मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। अब मैंने एक वापस दूसरा पैन लिया और इसमें मैं डालूंगी 1 कप बादाम। इनको भी हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये भी रोस्ट हो चुके हैं और इनको भी मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। इसी प्रकार हम पिस्ता को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 6 से 7 इलायची और इसके साथ ही हम लोग इसमें डाल देंगे 8 से 10 काली मिर्च। इन सबको भी हम करेंगे ड्राई रोस्ट अराउंड 2 सेकेंड के लिए। अब मैंने इन सभी को एक प्लेट में निकाल के रख दिया और इन सबको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। अब मैं जार में डाल दूंगी बादाम और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी काजू जो ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पिस्ता, वो भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। और अब इन सबको मैं कर लूंगी मिक्सी में ग्राइंड। अभी इसका पेस्ट बन चुका है। इसमें बाकी बचा हुआ सामान इलायची, काली मिर्च, केसर और दालचीनी मैं इसमें डाल दूंगी। इन सबको भी मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी, जिससे कि हमारा एक दरदरा सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए अब हमारा ये रेडी हो चुका है मसाला मिल्क पाउडर और कितना अच्छे से पेस्ट बना है इसका। अब मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ और इसमें हम मैं डाल रही हूँ ऊपर से बादाम और पिस्ता की कतरन, जिससे ये मुँह में आते हुए हमें बहुत अच्छे लगेंगे। और साथ में थोड़ी सी हम लोग डाल रहे हैं केसर की फ्लेक्स, जिससे कि देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी देखिए हमारा मसाला मिल्क बिल्कुल रेडी है और कितना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में।